आज हम एल्डिहाइड का कीटोन बनाने की अन्य महत्वपूर्ण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें पहली अभिक्रिया है रोजन मुंडा अभिक्रिया। जब किसी ऐसे हैलाइड की क्रिया हैलेनियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ की जाती है तो एल्डिहाइड बनता है। अभिक्रिया RCOCl + H2PdBSO4 RCHO+HCl। अगर हम एस्टर क्लोराइड लेंगे CH3COCl +H2 तो एस्टरलियाइड बनेगा। अगर हम बेंजोइक क्लोराइड C6H5COCl लेंगे और हाइड्रोजन से क्या कराएंगे तो C6H5CHO बेंजोइलडिहाइड बनेगा। दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है स्टीफन अभिक्रिया। जब किसी एल्किल साइनाइड या नाइट्राइड की क्रिया SnCl2 और HCl के साथ की जाती है तो एमीन हाइड्रो क्लोराइड बनते हैं, जिनको जल के साथ उबालने पर एल्डिहाइड बनते हैं। अभिक्रिया इस प्रकार है RC(N)+2HSnCl2+HCl तो एमीन हाइड्रोक्लोराइड बनेगा, RCH(NHHCl) एमीन हाइड्रोक्लोराइड। इस एमीन हाइड्रोक्लोराइड को जल के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं और NH2Cl को। अगर हम CH3Cl लेंगे मेथिल साइनाइड लेंगे और यही अभिक्रिया कराएंगे तो पहले ये यौगिक बनेगा और फिर ये जल के साथ उबालने पर एस्टरलियाइड बनाएगा और NH2Cl बनेगा। इसके पश्चात हम एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले भौतिक गुण है अवस्था। इसमें HCHO फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, बाकी अन्य निम्नतर सदस्य द्रव है और उच्चतर सदस्य ठोस है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है उसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं और उसका उपयोग मृत जीवों को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखने में किया जाता है। पचनांग इनका पचनांग संगत एल्केनों के पचनांग से अधिक होता है। जल में ये विलेय होते हैं क्योंकि जो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन है ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है। अब आते हैं रासायनिक गुणों पर। एल्डिहाइड और कीटोनों में ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के कारण रासायनिक क्रियाशीलता होती है और ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और अन्य अभिक्रिया देते हैं। विभिन्न एल्डिहाइड कीटोनों में अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम निम्नानुसार है। पहला फॉर्मेल्डिहाइड सर्वाधिक क्रियाशील है, फिर एस्टरलियाइड उससे कम क्रियाशील है और एसीटोन इन दोनों से कम क्रियाशील है। इसका कारण यह है कि एल्डिहाइड और कीटोनों में जो एल्किल समूह होते हैं ये इलेक्ट्रॉन निर्मोची प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑक्सीजन परमाणु पर बढ़ जाता है और ये नाभिक स्नेही जो स्वयं ऋणात्मक होते हैं उनको प्रतिकर्षित करने लगते हैं, इसलिए नाभिक स्नेही योग इनमें कम होते हैं। और एसीटोन में चूंकि दो एल्किल समूह हैं इसलिए इसमें ज़्यादा प्रभाव होता है और ये कम क्रियाशील है। एस्टरलियाइड में एक CH3 समूह है इसलिए यह उससे अधिक क्रियाशील है और फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी मेथिल समूह नहीं है इसलिए यह अधिक क्रियाशील है।